बहुत सारे लोगों को शाह और सा में दिक्कत होती है ट्रांसलेशन के चक्कर में मत पढ़ना कि पहले हिंदी में सोचोगे फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे नहीं बहुत सारे लोगों को होता है कि मैम इतने सारे नए नए शब्द होते हैं इंग्लिश में हम तो भूल जाते हैं या आधे से आधा वर्ड्स का हमें मीनिंग ही नहीं पता होता है फिर मैंने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए बहुत रिसर्च की और उसके बेसिस पर मैंने ट्वेंटी डे टेन आर ईच स्ट्रेटेजी बनाई जिसको मैंने फॉलो किया अपनी जिंदगी में इंग्लिश बोलने से डर लगता है इस वीडियो के बाद नहीं लगेगा इस वीडियो में मैं आपको वो दस स्टेप्स बताऊंगी जिन्हें अगर आप 21 डेज तक अपनी लाइफ में करेंगे तो इंग्लिश में सोचना और इंग्लिश में बोलना आपकी एक हैबिट बन जाएगा जिसे आप खुद भी चाहेंगे तो भूल नहीं पाएंगे नमस्ते मेरा नाम है निमिषा बंसल और मैं अपने YouTube चैनल निमिषा बंसल के द्वारा कई लाखों बच्चों को इंग्लिश सिखाती हूँ आइए इस वीडियो के माध्यम से ये जानते हैं कि वो क्या दस स्टेप्स हैं जिससे हम अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं आखिर 21 डेज ही क्यों क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि अगर किसी भी चीज को हम 21 डेज तक करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और वो हमारी एक हैबिट का हिस्सा बन जाती है चलिए आपको मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ मेरा ये इंग्लिश सिखाने का सफर कहाँ से शुरू हुआ आपको लगता होगा मैं इंग्लिश टीचर हूं तो मेरे लिए बड़ा सिंपल है ये कहना कि इंग्लिश एक बहुत आसान भाषा है आप आसानी से सीख जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है मैं एक छोटे शहर से हूं जहां पर इंग्लिश बोलना एक बहुत बड़ा लोगों का डर होता था बचपन में हमारे यहाँ कभी से माहौल नहीं था इंग्लिश बोलने का और जब भी हम स्कूल में जाते थे या हमारे फ्रेंड्स आपस में इंग्लिश बोला करते थे और हम उनको सुनते थे तो बहुत परेशानी होती थी मैं बहुत कोशिश करती थी सीखने की समझने की सुनने की बोलने की लेकिन कहीं ना कहीं माहौल की कमी की वजह से मैं नहीं बोल पाती थी स्कूल टाइम ऐसे ही निकल गया पढ़ाई में हमेशा से बहुत अच्छी थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई लेकिन एक्चुअल में दिक्कतें तब आई जब मैं कॉलेज में आई आज भी मुझे एक इंसिडेंट याद है कि हमारे कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी थी मेरी फ्रेंड की एक फ्रेंड थी उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था वेयर डू यू पुट अप मुझे पहले तो क्वेश्चन समझ नहीं आया फिर आंसर देना था कुछ पॉज के बाद मैंने बोला आई पुट अप माई हैंड और सब लोग इतना हंसे थे और उस टाइम मेरे लिए बहुत इंबेरसिंग सिचुएशन हो गई थी मुझे समझ में आया कि आज की दुनिया में इंग्लिश बोलना समझना बहुत ज़रूरी है बाद में जाके मुझे पता चला था कि वेयर डू यू पुटअप का मतलब आप कहाँ से हो या आप कहाँ रहते हो तो ये एक इंसिडेंट था फिर और भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स लाइफ में हुए जिन्होंने बताया कि भाई अगर एक्सेल करना है जिंदगी में जॉब चाहिए तो भाई इंग्लिश तो सीखनी ही सीखनी पड़ेगी कोई और ऑप्शन है ही नहीं इसके अलावा और मैंने स्टार्ट कर दिया अपना सफर इंग्लिश सीखने का मैंने भी वही किया जो सब लोग करते हैं न्यूज़पेपर्स पढ़े वीडियोस देखी मूवीज देखी सॉन्ग सुनने की कोशिश की हालांकि मज़ा नहीं आ रहा था मजा अपने वही हिंदी सॉन्ग्स में हिंदी मूवीज में ही आते हैं बट मैंने किया इतना कुछ करने के बाद भी मेरी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही थी रीज़न शायद ये था कि मैं समझ रही थी मैं पढ़ रही थी मैं सुन रही थी लेकिन मैं बोल नहीं रही थी और बोलने में मैं अभी भी झिझकती थी कोई सामने वाला इंग्लिश बोलता था मैं समझ अच्छे से लेती थी बट इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था फिर मैंने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए बहुत रिसर्च की और उसके बेसिस पर मैंने ट्वेंटी डे टेन आर ईच स्ट्रैटेजी बनाई जिसको मैंने फॉलो किया अपनी जिंदगी में इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए और आज वही स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ तो स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रेटेजी के स्टेप नंबर वन से लेकिन इस स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सभी से एक वादा चाहिए वादा ये चाहिए कि अगले इक्कीस दिन आपकी ज़िंदगी में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आप मुझे ये वादा करेंगे कि अगले 21 दिनों तक आप इन 10 स्टेप्स को रेगुलरली फॉलो करेंगे अगर आप मुझसे ये वादा कर सकते हैं तो मैं भी आपसे ये वादा कर सकती हूँ कि इन 21 दिनों में आपकी इंग्लिश 100% परसेंट इंप्रूव होने वाली है तो जितने लोग मुझे वादा कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि हां जी निमिषा जी हम आपसे ये वादा करते हैं स्टेप नंबर वन जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं मैं मानती हूँ बहुत लोगों के घर पे इंग्लिश बोलने का माहौल नहीं होता है मेरे घर पे भी माहौल नहीं था जब भी आप किसी से बात करें आपने उसका आंसर हिंदी में दिया हो लेकिन आप अपने मन में उसका आंसर इंग्लिश में जरूर दें फॉर एग्जाम्पल आप अपनी मम्मी से पूछ रहे हैं मम्मी खाना क्या बना है तो आपने मम्मी को तो बोल दिया खाना क्या बना है लेकिन अपने मन में जरूर बोले व्हाट्स इन लंच टूडे तो जब भी आप किसी से बात करें जब भी आपको मौका मिले अपने मन में इंग्लिश में जरूर दोहराए इससे धीरे 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 करके आपके अंदर एक बोलने का कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा स्टेप नंबर टू जब भी आपको कभी भी मौका मिलता है किसी से भी बात करने का कोशिश करें कि आप इंग्लिश में बात कर सकें फॉर एग्जाम्पल आपका फोन खराब हो गया है आपकी सिम में कुछ प्रॉब्लम है आप कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं तो मन में तो आएगा कि हिंदी सिलेक्ट कर लो ना जल्दी काम हो जाएगा समझ में आ जाएंगी बातें लेकिन मन की ना सुनते हुए दिमाग की सुनिएगा और इंग्लिश पे क्लिक कीजिएगा स्टार्टिंग में दिक्कत होगी बात करने में लेकिन धीरे 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 आपको हैबिट हो जाएगी सिमिलरली जब भी आप सोने जाए रात को हमेशा अपने आप से बात कीजिए कि आज मेरा दिन कैसा रहा मैंने आज क्या सही किया मैंने क्या गलत किया हिंदी में नहीं ट्रांसलेशन के चक्कर में मत पड़ना कि पहले हिंदी में सोचोगे फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे नहीं डायरेक्ट इंग्लिश में सोचो डायरेक्ट इंग्लिश में बोलो माई डे वॉज गुड आई इन्जॉयड अ लॉट टूडे अपने आप को जरूर बताओ सोने से पहले कि आपका आज का दिन कैसा गया आपने क्या सही किया आपने क्या गलत किया स्टेप नंबर थ्री जब भी आपको इंग्लिश सीखने का मौका मिले हमेशा सीखिए आप रास्ते में जा रहे हैं कोई होर्डिंग मिला उसको देखिए उसको पढ़िए कोई एडवर्टीजमेंट आपके सामने आ गया आपका अपना फेवरेट सीरियल देख रहे थे हिंदी में ही देख रहे थे भले लेकिन एडवर्टीजमेंट आया कोई टैग लाइन आई कुछ इंग्लिश में लाइन आई उसको सीखिए कोई नया शब्द आया उसका मीनिंग क्या होता है उसको सीखिए तो हमेशा अपने अंदर एक जिज्ञासा बना के रखिए कि मुझे कुछ नया सीखना है और उसको इन्जॉय कीजिए स्ट्रेस नहीं लेना है परेशान नहीं होना है ऐसे नहीं सोचना कि मुझे रटना है रटना है रटना है नहीं जस्ट इन्जॉय इट इन्जॉय करते हुए नई चीज़ों को ग्रास कीजिए इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाएगा स्टेप नंबर फोर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्रामर का रोल नहीं होता ग्रामर की इंपॉर्टेंस नहीं होती बिना ग्रामर के भी आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आपको ग्रामर नहीं आती है आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको हमेशा अपने ऊपर डाउट होगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ आई के साथ मैं एम लगा रहा हूँ तो वो सही है या आई के साथ मैं आर लगा रहा हूँ वो सही है इसीलिए ग्रामर के बेसिक्स को भी जरूर समझिए ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे कि टेंसेस के बारे में मुझे नॉलेज होनी चाहिए मुझे मॉडल वर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए एक्टिव पैसिव नरेशन ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जिनकी अगर हमें नॉलेज होगी तो हम ग्रामर में बहुत कॉन्फिडेंस बना पाएंगे और बोलने में वो कॉन्फिडेंस आपको साफ साफ दिखेगा। तो ग्रामर को को इग्नोर मत कीजिए। स्टेप नंबर कैसे डेवलप करें? बहुत सारे सारे लोगों को होता है कि मैं इतने सारे नए नए शब्द होते हैं इंग्लिश में हम तो भूल जाते हैं या आधे से ज़्यादा वर्ड्स का हमें मीनिंग ही नहीं पता होता है तो वो डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड बोला cognizant. बहुत नया शब्द है मैम हमें नहीं पता इसका मीनिंग कॉग्निजेंट क्या होता है तो इस शब्द को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसके अंदर एक वर्ड है कॉग्न सी ओ जी एन कॉग्न जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है नॉलेज इसका मतलब होता है आपका ज्ञान तो कोई भी ऐसा वर्ड होगा जिसमें ये रूट वर्ड होगा उसका मीनिंग कुछ ना कुछ नॉलेज से रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ अवेयरनेस से रिलेटेड होगा जैसे कि कॉग्निजेंट का मीनिंग है वोबुलरी तो को डेवलप करने का एक सिंपल सा तरीका ये होता है कि मुझे सारे रूट वर्ड्स की नॉलेज हो लगभग 220 रूट वर्ड्स होते हैं जो बहुत सारी वोकेबलरी में यूज किए जाते हैं तो वो 220 रूट वर्ड्स अगर मुझे पता है तो मेरे लिए इंग्लिश की वोकेबलरी डेवलप करना बहुत ही आसान है स्टेप नंबर सिक्स की बात करते हैं बहुत सारे लोगों को शाह और सा में दिक्कत होती है मुझे भी याद है मेरी एक फ्रेंड थी जो मुझे निमित सा बुलाती थी मुझे तो नहीं बुरा लगता था क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी लेकिन बाकी लोग उस पर बहुत हंसते थे सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से कि शाह को वो सा बुलाती थी हमारी सोसाइटी ऐसी ही है हमारी सोसाइटी हमारी कमियों को देखती है तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन कमियों को दूर करें तो शाह और सा की दिक्कत को ख़त्म करने के लिए एक टंग ट्विस्टर है अगर आप इसको पाँच दिन भी लगातार बोल लेते हैं तो ये आपकी शाह और सा की दिक्कत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी बोलें साथ में चलिए पहला सेंटेंस बोलेंगे पहले मैं बोलूंगी फिर आप लोग सभी लोग बोलेंगे अपने घरों पे जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोग बोलेंगे तो थर्ड सो इफ शी शोर शेल्स फोर्थ आई एम श्योर She sells सी shore शेल्स तो अगर आप इन चारों लाइन्स को बार बार रिपीट करेंगे पांच दिन तक लगातार भी आपने इन लाइन्स को बार बार रिपीट कर लिया बट मेक श्योर कि आप सही बोले तो आपकी ये शाह और आपकी ये सा वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए तो इस पर काम करना ही पड़ेगा स्टेप नंबर सेवन ये स्टेप भी हमारा प्रोनाउंसिएशन से ही रिलेटेड है बहुत बार हमें नहीं पता होता है कि जी को हमें ग बुलाना है या जी को हमें ज बुलाना है तो बेसिकली यहाँ पे रोल आता है हमारे फिनेटिक्स का इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे 44 फिनेटिक्स होते हैं सिर्फ 44 ही होते हैं बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है तो अगर मुझे इन 44 फिनेटिक्स की साउंड पता है कि इसको हम इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं इस शब्द को हम इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे जो प्रोनाशिएशन वाला प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाता है फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है एक वर्ड होता है रेस्ट्रो बहुत सारे वर्ड लोग इसे रेस्टोरेंट बोलते हैं कुछ लोग रेस्टोरेंट बोलते हैं बट द करेक्ट प्रोनंसिएशन इज रेस्ट्रा एक गाड़ी की ब्रांड है फॉक्सवागन बहुत सारे लोग इसे वोक्सवागन बोलते हैं हमारा जो वी होता है जर्मन लैंग्वेज में वो फ प्रनाउंस होता है तो जो हमारा प्रोनंसिएशन होता है वो सारा का सारा फिनेटिक्स पे डिपेंड करता है 44 ही है बहुत ज्यादा तो नहीं है एक घंटे में भी कवर कर लेंगे तो मेक श्योर sure कि आपको फिनेटिक्स की भी नॉलेज बहुत अच्छे से हो स्टेप नंबर एट स्टेप नंबर एट ये कहता है कि हम जो अपने आप को बार बार बोलते हैं ना मुझसे नहीं हो रहा है मैं नहीं कर सकता या मेरे लिए बहुत मुश्किल है या इंग्लिश बहुत मुश्किल है इस ये जो नेगेटिव टॉक है इसको करना बंद कीजिए अपने आप को कॉन्स्टेंटली बोलते रहिए येस आई कैन डू इट इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज आई एम वेरी गुड एट इट तो इस तरह का पॉजिटिव टॉक अपने आप से करिए लगातार करिए हर घंटे करिए जब भी फ्री हम पॉजिटिव बातें कीजिए अपने आप से इंग्लिश ऑटोमेटिकली आपके लिए एक बहुत 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 ईजी लैंग्वेज बन जाएगी स्टेप नंबर नाइन जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ें जब भी आप कोई मूवी देखें या जब भी आप कोई सीरियल देखें कोशिश कीजिए कि जो आपने पढ़ा है उसकी समरी अपने आप को बताने की कोशिश करें मिरर के सामने जाइए मिरर से बात कीजिए आप ऐसा समझिए कि आप अपने आप को खुद वो स्टोरी सुना रहे हैं या खुद जो आपने आर्टिकल पढ़ा है उसकी समरी बता रहे हैं इससे क्या होगा ना केवल आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी बल्कि आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा आपकी नर्वसनेस खत्म होगी आप अपने एक्सप्रेशन देख पाएंगे कि जब आप बोलते हैं तो आप कैसे दिखते हैं आपके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं तो मेक श्योर की दिन में कम से कम एक बार तो मिरर के सामने जाके अपने आप से बात जरूर कीजिए द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप एंड दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस जहां भी मौका मिले जब भी मौका मिले प्रैक्टिस कीजिए आपके फ्रेंड्स होंगे आपके आसपास उनका एक ग्रुप बना लीजिए बातचीत कीजिए व्हाट्सएप पे आप बातचीत कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस पार्टनर्स नहीं मिल रहे हैं जोश जोशिल की आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए वहां पे आपको प्रैक्टिस पार्टनर्स मिलेंगे वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा फ्लुएंट आपकी इंग्लिश होगी अगर आपको ये दस स्टेप्स मुश्किल लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं और जोश टॉक्स आपकी हेल्प करें तो पिंड कॉमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें ट्वेंटी वन डेज के स्पोकन इंग्लिश के महासंग्राम को ज्वाइन करें एक लास्ट बात मेरी तरफ से आप सभी के लिए कि इंग्लिश बोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इट इज़ एज इजी एज डूइंग सिंपल मैथ्स तो डरना नहीं है चिल करना है रिलैक्स होना है पूरी की पूरी जर्नी को इंजॉय करना है एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे खुशी से आगे बढ़ेंगे तो सफ़र बहुत आसान होगा मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं ऑल द बेस्ट अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे दोस्तों आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं और आपने कभी नोटिस किया है जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है वो क्या है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स है आपके साथ यहाँ पे हमें डेली वोकैबलरी ग्रामर रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर वन स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ পড়ும்போது அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு வெரி தட்'ஸ் ஹியர் ஆ தி আননোন இஸ் தி स्ट्रांगेस्ट एट दिस पॉइंट சின்ன ಕಷ್ಟಗಳು ಮರೆಲ್ಲೋ ಕಣ್ಣೀರು ಚಿನ್ನಾಟానికి ಕೂಡ भोजनم లేని ಸಂದರ್ಭాలు ಎಂತಾ ಪೋಚುತೆ চাইছি सीटेटজন্য যে পটটা দিয়ে হাঁছছি সেটাকে কি আদার স্ট্রাগಲ್ বলা চলে เงี้ย กันಟळून য जाणारetli नव्हते এক বার মেনা ডিসাইড तो मैं अपने भी नहीं चलती हूं जीवन सिचुएशन ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ क्वेश्चंस ಬರುತ್ತോ ನನ್ನ ಜೀವನದ ऊपर तक पहुंचे दोस्तों जिंदगी में आपको कोई जगह नहीं देता है आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दैट जोश इज कमिंग इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करना ना भूलें